कौन करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल? बदले बदले नजर आ रहे हैं वरुण गांधी, बदलते तेवरों से मिलने लगे हैं ये संकेत। वरुण गांधी के तेवरों में अचानक आए बदलाव ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में तमाम तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। अभी तक यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर यही चर्चा हो रही थी कि भाजपा फिर से वरुण गांधी को टिकट देगी या नहीं, लेकिन सांसद वरुण गांधी के बदले तेवरों से अब ये चर्चा होने लगी कि टिकट को लेकर कुछ ना कुछ चल रहा है। तकरीबन 2 साल से सरकार की नीतियों के बारे में आलोचना करने में लगातार मुखर रहे सांसद वरुण गांधी का मिजाज अब बदला बदला नजर आ रहा है। 2 दिन पहले जनपद के भ्रमण कार्यक्रम में उन्होंने सरकारी नीतियों पर कोई बात नहीं की, बल्कि जिले के लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने पर ही फोकस रखा। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप बताएं, क्या वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए MSTV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वरुण गांधी खुलकर अपनी राय करते हैं जाहिर, चाहे लखीमपुर हिंसा प्रकरण हो या फिर किसान आंदोलन। सांसद वरुण गांधी खुलकर अपनी राय जाहिर करते हैं। बेरोजगारी, निजीकरण, आर्थिक नीतियां, भ्रष्टाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने आदि मुद्दों पर सांसद वरुण गांधी समय समय पर सरकारी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सांसद वरुण गांधी ने दूरी बनाकर रखी थी। वरुण ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में किसी तरह का प्रचार नहीं किया था। जनपद भ्रमण के दौरान जनसंवाद कार्यक्रमों में भी भाजपा के झंडे आदि तथा स्थानीय भाजपा पदाधिकारी दिखाई नहीं देते हैं। ये भी सच है कि सांसद वरुण गांधी संसदीय क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान दिए जाने वाले संबोधन में सांसद वरुण गांधी अक्सर सरकारी नीतियों पर निशाना साधते रहे हैं। वरुण गांधी का राजनीतिक जीवन। सांसद वरुण गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तराई की जिला पीलीभीत से ही की है। हालांकि पीलीभीत संसदीय क्षेत्र सांसद वरुण गांधी की मां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की परंपरागत कार्यस्थली रहा है। वह यहां से कई बार सांसद निर्वाचित हुई हैं। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी ने पीलीभीत संसदीय सीट से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। वर्ष 2014 के चुनाव में सांसद वरुण गांधी सुल्तानपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचे थे। वहीं वर्ष 2019 के चुनाव में सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत संसदीय सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। सांसद वरुण गांधी करीब 2 वर्ष से सरकार की नीतियों को लेकर मुखर रहे हैं। सांसद वरुण गांधी एक्स के जरिए लगातार सरकार को असहज करने वाले सवाल उठाते रहे हैं।